डुअल डेकर एम सीरीज आप देखेंगे इस सेट के अंदर यहाँ पर 0.60 दिखाई दे रहा है और हमें टेम्परेचर का एरर आ रहा है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये देखो, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो ये टेम्परेचर का एरर है। यहाँ पे जूम करके दिखा दो। तो इस एरर में हमें क्या करना है, आओ तो सबसे पहले समझते हैं। अब इसमें कैसा है, बैटरी भी चेंज हुई है, दूसरी बैटरी लगी है और हम इसे सबबोर्ड में जाएंगे। तो बेसिकली इसके सबबोर्ड में इसका एनटीसी मतलब थर्मिस्टर का सर्किट होता है। किसका सर्किट होता है, तो आप नोटिस करो इसमें ऑलरेडी काम हुआ है, पहले से ही थर्मिस्टर के पूरे सर्किट को पूरा निकाल दिया है और मेरे ख्याल से एनटीसी को उसे बदला गया है। समझ में आ रहा है मेरे को? तो लोगों को सिर्फ ये लगता है टेम्परेचर के एरर में सिर्फ एनटीसी को रिपेयर करो, एनटीसी को बदलो, एनटीसी को निकालो तो मेरा ओके हो जाएगा। वो ये नहीं सोचते हैं कि एनटीसी कुछ नहीं कर रहा है, जो भी कर रहा है सीपीयू कर रहा है। जो कर रहा है सीपीयू कर रहा है। सीपीयू को एक वोल्टेज नहीं मिल रहा है और वो वोल्टेज खाली एनटीसी लगे होने से मिलेगा नहीं। आज का पहला सर्किट समझो, देखो ऑल टेम्परेचर, ऑल सैमसंग जिसको हम बोलेंगे, ऑल सैमसंग टेम्परेचर ले लो, वीडियो ले सकते हो आप लोग, टेम्परेचर सर्किट, ऑल सेंसर टेम्परेचर सर्किट। अब ध्यान दो, जैसा होता है कि आपके सब बोर्ड में, ये सब बोर्ड में और ये आपका मेन बोर्ड, ये मेन बोर्ड का ये सीपीयू है, ये आपका कनेक्टर हो गया। इसके अंदर बेसिकली आपके कॉम्पोनेंट होने चाहिए, पहला होता है टीएच, बोलो टीएच, जो पैरेलल होता है, हेलो पैरेलल होता है, कितने के का जल्दी बताओ, और प्रैक्टिकली 100 के का नहीं है, आपको पता है मैं बोलूंगा नहीं वीडियो में, हेलो कितने के से कितने के का बीच का याद है, ठीक है। तो उसके बाद में इसके बीच में एक और रजिस्टर होता है और जो होता है नॉर्मल रजिस्टर, जो कितने के का होता है 100 के का, और उस पर बेसिकली इस कनेक्टर से एक वोल्टेज आता है, कितना आता है जल्दी बताओ, और यही वोल्टेज ये इधर से इधर से, तो बेसिकली ये 1.8 वोल्टेज है। मतलब कहने का मतलब है ये हो गया आपका R1, ये क्या हो गया R2, और इसके बीच में एक कैपेसिटर होता है, हेलो yes, तो R1 और R2, तो जब हम दोनों को, मैंने क्या बताया आपको बहुत अच्छा तरीका कि R1 R2 बोलो R1 R2 वैल्यू सेम है, बीच में कितना वोल्टेज मिलता है 0.9 आता, हेलो मतलब यहाँ पर वोल्टेज कितना मिलेगा, और ये 0.9 कनेक्ट होता है यहाँ पर, ऐसा नहीं कनेक्ट होगा बता रहा हूं मैं, तो ये 0.9 पहला जाएगा कनेक्टर में, हेलो कनेक्टर से जाएगा इधर और यहाँ से जाकर इधर कनेक्टर जाएगा। तो सीपीयू जब तक क्या वोल्टेज नहीं सेंस करेगा, 0.9 तब तक वो किसका एरर देता रहेगा, टेम्परेचर का एरर। हम डीसी से इसको बना सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, देखो हमें कैसा पता चला 0.9, हम डीसी मशीन लेंगे, ये हमारा हमने कितने वोल्टेज पे सेट किया था, और हमने जो अपना एम्पियर है उसको सेट किया है 300 मिली एम्पियर पे, कितने मिली एम्पियर, अब हमने 4 वोल्टेज की जगह पर हमने इसको सेट करते हैं 0.9 बोलो, और मिली एम्पियर कितना 300, जो एम्पियर होता है ना भाई मेरा, बात सेट करता हूँ ना मैं अपना, मैं यहाँ कितना सेट कर रहा हूँ 300। देखो कैसे, देखो मैं दो तरीके बता रहा हूँ उसको बनाने, हमने ऑन किया, ये 4 पे सेट है और 3 एम्पियर पे बराबर, हम क्या करेंगे हम इसको लाएंगे 0.9 बोलो, और इसको लाएंगे 300 मिली एम्पियर पे, कितने मिली एम्पियर, ये हमने सेट करना है ताकि हमारे को 5 एम्पियर ना जाए, हेलो अब बोलो, दो प्रोब जो होते हैं ना इसके, एक होता है ब्लैक और एक होता है रेड, ब्लैक को हम पीसीबी में कहीं पर भी क्या मार देंगे ताकि ग्राउंड कनेक्ट हो जाए, और रेड को बोलो इस टेम्परेचर के एक सिरे से पॉजिटिव सिरे से लगा देंगे, हेलो और अब इसको घटाएंगे बढ़ाएंगे, समझ रहे हो मेरी बात, और चार्जर को लगाए रखेंगे, हेलो जैसी अगर मान लो 0.9 में कुछ नहीं हुआ, मान लो 0.7 करने पर अपना टेम्परेचर का एरर चला जाता है, तो हमें यहाँ पर 0.7 का डिवाइडर सर्किट डालना है, हेलो किसका डिवाइडर सर्किट, क्योंकि हम वोल्टेज को सेंस कर रहे हैं, वोल्टेज को सेंस क्या, देखो हमें अब ध्यान देना, तो हम इसके सर्किट को ही पूरा बनाने की कोशिश करते हैं।
जनरली यहाँ पर आप देखो तो बेसिकली इनके कोई डायग्राम नहीं होते हैं और जनरली डायग्राम मिलते ही नहीं है, तो डायग्राम का आता पता कुछ नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले चार्जर लगाते हैं, बोलो हाँ अभी आएगा सीखने का मजा। देखो हमने चार्जर लगाया, अब हम वोल्टेज चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? वोल्टेज चेक करते हैं। जिस पिन पर गुरु, जिस पिन पर 1.8 आ रहा है, 1.8 आ रहा है, वो रजिस्टर वाली पिन है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? पहले हम इस थर्मिस्टर पे देखेंगे कोई वोल्टेज मिल रहा है क्या नहीं। देखो भाई अरे देखो कोई वोल्टेज नहीं, 0.0। हेलो यहाँ देखना है वोल्टेज, उधर भी पे नहीं देखना। अब हटाओ, अब यहाँ और यहाँ यहाँ इन तीनों पे देखना है, क्योंकि ये तो इसी से कनेक्टेड दिखाई दे रहा है। इन तीनों पे देखो, यहाँ पर देखो, लगाओ अच्छे से लगाओ, 2.8 मतलब हमको 1 मिनट का, अब हटो, मतलब हमको 1.8 मिल गया है। बोलो 1.8 मिल गया है, तो हम वो डीसी वाला इतना तामझाम करेंगे नहीं, हम सीधे 0.9 दे सकते हैं। हेलो या तो हमारा थर्मिस्टर, अगर थर्मिस्टर सही होगा तो, नहीं तो थर्मिस्टर भी चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम कूल टेस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं जल्दी बताइए, ये बजर मोड पे डालो सर, ये बिटिया नहीं, पहले बजर मोड पे डालो, लाइट हटा, बजर मोड पे लाइट हटा, लो इधर लाइट, ये उधर उधर उसके पास, हाँ ये अब ये लाइट क्यों आ रहा है, लाइट कोई, चलो देखिए बजा मुठा। देखो अब इन चारों में ग्राउंड कौन सा है, ए बिट सर, ये ग्राउंड है मतलब ये पैरेलल लगा है, ये ग्राउंड है मतलब इसके साथ में कोई कॉम्पोनेंट कैपेसिटर लगा है जो कि पैरेलल था। हेलो यस सर, कि ये तो इसके साथ जुड़ा हुआ है ना, यस सर, तो मतलब बचा ये, तो अगर इसका ये सिरा ग्राउंड नहीं है और ये सिरा 1.8 था, तो यहाँ पर हम रजिस्टर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तो ये बन जाएगा R1, बोलो ये बन जाएगा R2, और इसके बीच का जो लाइन है अगर वो हमारे कनेक्टर से सही से जुड़ा हुआ है, वो क्योंकि बीच का जो ट्रैक है वो भी कनेक्टर पे कहीं ना कहीं जा रहा होगा, जो कि हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं। देखो हम ये यहाँ से भी चेक कर सकते हैं बजर मोड पे, देखिए, और अगर हमारे पास में इसका डायग्राम नहीं है तो हम इसका सबबोर्ड परचेस करेंगे, सबबोर्ड से ट्रेस करेंगे। देखो ये हमने इधर इसके बीच वाले पॉइंट पर, अब यहाँ पे हमें कहीं पे बी पाना चाहिए, ये देखो ये हमें बी पा रहा है, ये इसका मतलब ये ट्रैक बन रहा है। हेलो ये है 0.9 का सेंस ट्रैक, कौन सा 0.9 का सेंस ट्रैक। तो अब अपन क्या करते हैं, एक रजिस्टर लगाते हैं इसके अंदर, समझ रहे हो मेरी बात, yes, sir. अपन अगर डायरेक्ट वोल्टेज, बोलो इस पर जंपर, अगर ये 1.8 इस पर जंपर मार दिए तो भी हमारा टेम्परेचर एनर्ज जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो CPU है इसको चार, इसको 1.8 नहीं चाहिए, इसको कितना चाहिए, ये कोडिंग से सेट है पहले से। हेलो इसको कितना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एक 100K का रजिस्टर, बोलो 100K का रजिस्टर यहाँ पर अपन दे देते हैं, और अगर यहाँ पर 100K का रजिस्टर देते हैं तो ये ऑलरेडी 1.8 तो यहाँ आ ही रहा है, तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो इसके बीच में ऑलरेडी और जो लाइन यहाँ पर अपने को 0.9 बन जाएगा, तो ये सेंस अपना हो जाना चाहिए, क्या बोलते हो, यस सर, एक 100K का रजिस्टर ढूंढेंगे क्या जल्दी से, यस सर। देखो तो 100K का रजिस्टर ढूंढेंगे, एक मिनट, सो 100K का, अब जैसे सर्किट में मुझे पटकर से 100K का रजिस्टर ढूंढना है, तो मैं कैसे ढूंढूं, आसान है, देखो मुझे एक एक रजिस्टर चेक भी करना है, बता रहा हूं मैंने इसका स्कीमेटिक जाऊंगा, यहां पर लिख दूंगा 100K बस, और एंटर मार दूंगा, तो जहां जहां मुझे 100K मिलेगा वहां वहां मुझे रजिस्टर का पता चल जाएगा। तो एक यहां पर रजिस्टर है, इस रजिस्टर को उठाऊंगा और यहां पर, खैर मुझे नोट फाइव में नहीं ढूंढना, मुझे फाइव में ढूंढना है, ये मेरा फाइव है, ठीक है, ये तो मेरा फाइव के अंदर ये स्कीमेटिक है और ये लेआउट है। अब यहाँ पे लिखूंगा 100K, एंटर मारूंगा, तो एक ये लगा रहा है, ठीक है, और देख तो ये भी आ रहा है, ये थर्म, और देखेंगे ये देखो 1.8 R1, ये देखो ये NTC लगा है, और देखेंगे 100K, ये देखो एक ये लगा है, ठीक है, और इस रजिस्टर को देखेंगे कहाँ लगा है, तो ये रजिस्टर लगा है इधर,
ये रजिस्टर लगाया था, अब ये रजिस्टर की वैल्यू कितनी है? ओके, तो इस रजिस्टर की वैल्यू कितनी है? और यहाँ से क्या? अब इसका आप बताओ। युक्त अध्यक्ष करेगा भी तो शॉर्ट ही निकलेगा तो ये थोड़ा सा बेसिक दिमाग में लॉजिक लेकर चलना पड़ता है कि रिपेयर हुआ सेट को थोड़ा सा माइंडसेट बना के चलो कि हर चीज को थोड़ा ध्यान से देखना है कौन किधर हो सकता है किधर नहीं। और अगर कुछ हमें मिलता है डायग्राम वाइग्राम तो हमारे लिए थोड़ा बेस्ट होता है। अब यहाँ पर चार्जर में लगाएंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा कोई आउटपुट बनता है कि नहीं, फिर उसके बाद ही हम वोल्टेज चेक करेंगे। नोटिस कर सकते हमने सिर्फ और सिर्फ अपने थर्मिस्टर तक एक वोल्टेज पहुंचाने का काम किया है, इसका वो कर ये हमने वोल्टेज पहुंचाने का काम किया है। और हमने हम चाहते तो डायरेक्ट जम्पर भी मार सकते थे, पर बाईपास इसमें कुछ टाइम तक रहता है, फिर बाद में फिर से फॉल्ट आ जाता है। तो नोटिस कीजिएगा, नोटिस करो देखो पहले इसमें देखते हैं, इसमें देख लो। देखो अगर इसमें एम्पियर आया तो ऑब्वियस है कि वो 2 एम्पियर देखो उसमें चला गया। yes, sir. वोल्टेज चेक करते हैं। हेलो यस सर, ताकि हमारे को क्लियर हो जाए कि एटलीस्ट वोल्टेज बनते कितने 0.9 0.7 क्या? अभी अपन ने दोनों 100 के हैं तो वोल्टेज आधा हो जाएगा 0.9। तो अब अपन को बड़ा वाला मल्टीमीटर यूज करना पड़ेगा, इस मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक नहीं होता ऐसा, तो मल्टीमीटर चेंज करो। अब मल्टीमीटर चेंज करेंगे, चार्जर लगाएंगे, सोच नहीं था मेरे पास कम से कम 15 पेपर मल्टीमीटर है, सोचो और मेरे टेबल ही टेबल पे कम से कम 6 मल्टीमीटर है। मैं कितना कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कौन सा मल्टीमीटर का है। अभी मैंने एक बैंच टॉप का मल्टीमीटर लिया 15,000 का, वो मैं यूज ही नहीं कर रहा हूँ लगाने के बाद। चलो देखो अब हम यहाँ पर वोल्टेज लेंगे, तो देखो यहाँ तो हमें 1.80 आ रहा है और यहाँ पर हमको आ रहा है 0.7। बोलो यस सर, एक सैमसंग बोलो सैमसंग का टेम्परेचर सेंस 0.7 होता है, 0.7 होता है। ये चीज किस किस को क्लियर है जल्दी बताओ। और आप बताओ चार्जिंग सेक्शन कैसा रहा? बहुत बढ़िया सर। किस किस को समझ में आया? यहाँ से जाकर BQ और नीचे से ऊपर तक कौन कौन ड्रेसिंग करने वाला है? हेलो थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा टेलीकॉम में आज का सेक्शन एक पैसा वसूल सेक्शन था? yes, sir! YouTube से हटकर था? yes, sir! थैंक यू वेरी मच। आप इस समय आए हो, मैं एक बार और जानना चाहता हूँ, मेरे को एक बार बताओ आज अपन चार्जिंग करेंगे? yes, sir! समझ रहे हो? yes, sir! कल अपन की जो भी क्लास रहेगी कल अपन प्रैक्टिकल में ड्यूअल लेकर करेंगे। हेलो yes, sir! कौन को रैम बनाएगा जल्दी? yes, और आप लोग ने CPU बनाए? yes, sir! एक बार नहीं कई बार बनाए? yes, sir! है ना? yes, sir! चौथे दिन बाद भी हमने CPU किए? yes, sir! हम जो बाहर नहीं मैं जानना चाहो हम जो बाहर कहते हैं CPU मास्टर क्लास वो वाकई में है? yes, sir! कौन कौन मानता है CPU मास्टर क्लास? yes, sir! कि ऐसा तो नहीं कि हम लोग तो अपने पर्चे फाड़ रहे हैं अंदर का, यहाँ पे कोई भी मास्टर क्लास नहीं होती है। yes, sir! और जो भी यहाँ पे पढ़ाई जाती है वो भी मास्टर लेवल पे है। yes, sir! टीचरों का नॉलेज कैसा है यहाँ पर?
तो जो यहाँ मेरे साथ खड़ा रहेगा हेलो yes, उसकी जिंदगी बदल दूंगा ये बात का दावा करता हूँ। समझ में आ रहा है? यू विल सी थ्रू आउट योर लाइफ कि तुम कैसे अपने 3 महीने के बाद पूरी लाइफ को चेंज करने वाले हो। हेलो इट इज मतलब ये बिल्कुल तय कर लो कि यू विल बिकेम आप सीपीयू मास्टर। हेलो यू आर नेक्स्ट सीपीयू मास्टर। और तुम्हारे जो दुकान में जो तुम्हारी एनर्जी होने वाली है, जो तुम्हारा तुम्हारा जो इंट्रो होने वाला है, जो तुम्हारा तुम दुकानदार के साथ बात करोगे या जो वहां पे काम करोगे, वो अलग दुकान की अलग छाप छोड़ेगा। हेलो yes, और मैं लिख के दावा कर रहा हूँ कि तुमको पूरा तुम्हारा एरिया कॉपी मारेगा। yes, समझ में आ रहा है मेरी बात? थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ है 28 जुलाई की बेट। कौन कौन लाइव है? हम सब लाइव है। देखिए कल हम सीपीयू किया, हमने 4G सीपीयू किया। आज से पहले क्या हम 4G सीपीयू पे काम कर पा रहे थे? तो हमारे साथ है 28 जुलाई की बेट। कौन कौन लाइव है? हम सब लाइव है। देखिए कल हम सीपीयू किया, हमने 4G सीपीयू किया। आज से पहले क्या हम 4G सीपीयू पे काम कर पा रहे थे? अब ये बताइए कि यहाँ पर एशिया टेलीकॉम को 28 तारीख को ज्वाइन करने के बाद जब आपसे पूछा गया तो माइक्रोस्कोप किस किस के पास थे, तो सिर्फ कितने लोगों के पास थे? ओनली 2 लोगों के पास थे। इसके अलावा आपके पास माइक्रोस्कोप भी था क्या? माइक्रोस्कोप पे कभी काम किया था? अभी क्या पोजिशन है? अभी माइक्रोस्कोप हमने 10 मिनट में सेट किया है और हमारा चौथा दिन है। कल हमारा क्या था? चौथा दिन था। और तीसरे दिन क्या किया हमने? एशिया टेलीकॉम आपको बोलता है कि तीसरे दिन पावर, तो पावर किस किसने लगाई? हम सबने लगाई। और एशिया टेलीकॉम आपको बोलता है, एशिया टेलीकॉम आपको बोलता है कि चौथे दिन सीपीयू, तो कल सीपीयू किस किसने लगाया? सबने लगाया। सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मेरा नाम है बापन खांडेकर और मैं इधर 28 जून के बैच को ज्वाइन किया था। आज तो आज मेरे को बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है कि मैं इधर एंड्रॉइड का कोर्स करने आया था, मेरे को आईफोन का कोर्स भी एशिया टेलीकॉम की तरफ से गिफ्ट में मिला है। तो एशिया टेलीकॉम को मेरी तरफ से धन्यवाद और देव सर को भी मेरी तरफ से धन्यवाद। थैंक यू एशिया टेलीकॉम। तो मैं चलो मैं इंस्टीट्यूट की तरफ से एशिया टेलीकॉम की तरफ से आईफोन मास्टर सर्किट कोर्स और 5G अपग्रेड भी हमें गिफ्ट में दिया गया। जी जो गिफ्ट मिला है हमें एशिया टेलीकॉम की तरफ से एंड्रॉइड और आईफोन का जो लर्निंग ऐप है जो हमें आने वाले वक्त में इसके लिए सिखाएगा। तो ये मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ एशिया टेलीकॉम का और MD सर का और देव सर का। चलिए ठीक है। मेरा नाम सावन जामे, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। ओके मेरे हाथ जैसे आप देख रहे हो ये आईफोन का गिफ्ट है, जो आईफोन का कोर्स से गिफ्ट मिला। मैं करने एंड्रॉइड आया था, एंड्रॉइड का आया था और मेरे को आईफोन का कोर्स से गिफ्ट मिल गया और अभी साथ में 5G सर्किट के साथ। देख रहे हो कि इसमें आईफोन प्लस 5G का कोर्स है, जो कि हमने पहले दिन आया था तो एंड्रॉइड सीख नहीं आए थे, लेकिन यहाँ में आईफोन का कोर्स है वो भी गिफ्ट है सर। तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ एशिया टेलीकॉम और थैंक यू करना चाहता हूँ देव सर। महाराष्ट्र से हूँ। ओके हम इधर एंड्रॉइड का सीखने आए थे सब, मोबाइल रिपेयरिंग, और देव सर ने और एशिया टेलीकॉम ने हमें उसके साथ आईफोन का भी कोर्स गिफ्ट दिया है। ओके सर मैं यहाँ एंड्रॉइड का कोर्स सीखने आया था। देव सर ने और एशिया टेलीकॉम ने इधर मुझे आईफोन 5G का कोर्स गिफ्ट दिया है, इसलिए मैं एशिया टेलीकॉम और देव सर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं गिफ्ट मिला है मुझे आईफोन का कोर्स मिल गया है और थैंक यू सर, थैंक यू एशिया टेलीकॉम, MD सर का बहुत बहुत बढ़िया था, एक क्लिपिंग हो जाए सर के लिए। दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे IC लेवल का काम नहीं आता, और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए और ना ही YouTube में सोल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है, तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी। अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और IC चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप CPU EMMC पर काम करना चाहते हो, तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए
हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर आईसी और 4थे दिन में सीपीयू करवा देंगे। हम देंगे आईसी पैड लाइन की जानकारी, यहाँ हॉस्टल में इसकी सुविधा फ्री है, हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, न कि फोन टीचर से, फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से एडवांस सिखाया जाता है, जिसमें हार्डवेयर EMC सॉफ्टवेयर हैं। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, न कि फोन टीचर से, फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से